आशा सहयोगिनियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का शुक्रवार को तीसरा चरण कलेक्ट्रेट से सभागार में आयोजित किया गया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आशा सहयोगियों से सीधा संवाद किया। अजमेर की आशा सहयोगी ने निर्मला टाक से मंत्री रघु शर्मा ने टीकाकरण सहित उनके कामों के विषय में जानकारी ली। उनकी आशाओं का आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो किया जाना था उसका आज तीसरा चरण है और तीसरे चरण में दो चरणों के अंदर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है। इसमें आज माननीय चिकित्सा मंत्री हमारे डॉक्टर रघु शर्मा जी भी उपस्थित हुए हैं और उनके द्वारा आज आशा सहयोगियों के साथ संवाद किया गया है। इसमें अजमेर की आशा सहयोगियों के द्वारा भी उनके साथ संवाद किया गया और समस्त आशाओं के जो काम होते हैं उनकी प्रोग्रेस रिव्यू कर रहे हैं और उनको क्या समस्या है उनके बारे में जानकारी ली जा रही है मंत्री महोदय द्वारा। और साथ ही आशाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो अपने काम को बहुत बेहतर बनाने के लिए यदि उनको कोई समस्या आ रही तो बताएँ इस संवाद में और उसके बाद वो बेहतर काम करें और गर्भवती महिला नवजात शिशु और कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए बेहतर काम कर सकें। अजमेर की आशा सहयोगियों के लिए उन्होंने जानकारी ली कि क्या आप टीकाकरण और परिवार कल्याण के काम को कराते हो, उसमें किस तरह से अपनी सहभागिता निभाते हैं उसके बारे में आशा सहयोगी हमारी जो निर्मला टाक है उसके द्वारा बताया गया और उनसे उन्होंने सीधा संवाद किया। आशा के द्वारा उनसे जो सवाल उन्होंने किए गए मंत्री महोदय द्वारा उनका उन्होंने बिल्कुल अच्छा सटीक जवाब भी दिया है और अपने काम को जिस तरह से वो बेहतर परफॉर्म कर रही है उस तरह से बताया। इस आशा सहयोगी को हमारे 15 अगस्त और 26 जनवरी पर 2 बार इसको पुरस्कृत भी किया गया है जिला स्तर पर भी और बेहतर तरीके से अपने काम को जिस तरह से ही कर रही हूँ परफॉर्म किया है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।